नमस्कार किसान भाई साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का तलोदा मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ विष्णु पाटीदार। दोस्तों, दिन है आज का 18 अगस्त 2024 का। आज की तलोदा मंडी से हम जानेंगे लहसुन की आवक की रिपोर्ट और पिछले जो सप्ताह में जो बाजार हमें देखने को मिल रहा है उसकी कुछ विशेषता तीर्थना करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। किसान भाइयों की जो बाजारों में हमें जो राय देखने को मिलती है वो जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करूँगा। जो भी किसान भाई अपने कार्य करें अपने विवेक के हिसाब से कार्य कीजिएगा। दोस्तों, बाजारों की जो स्थिति हमें देखने को मिली वो जानकारी कुछ संक्षेप में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। आज का दिन 18 अगस्त 2024 का, कल 19 अगस्त को मंडी का अवकाश रहेगा। सोमवार के दिन रक्षाबंधन है। आप सभी किसान भाइयों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मंडी के अंदर आज की आवक की रिपोर्ट जान लेते हैं। एक दिन और भी इसमें छुट्टी है लेकिन मंडी की आवक आज से आना शुरू हो चुकी है, तो उसकी स्थिति जान लेते हैं कि आवक किस प्रकार की है। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक किसान मित्रों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप पहली बार जानकारी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि दोस्तों आप सभी किसान भाई तलोदा मंडी से सारी जानकारी देख पाए। दोस्तों, आज की जो मंडी की स्थिति मैंने आपको बताई आवक की रिकॉर्ड के साथ में 13 अगस्त से लेकर कल 17 अगस्त तक के बीच में जो बाजारों की जो तेजी मध्य हमें देखने को मिली उसका कुछ विश्लेषण कर उसकी कुछ टिप्पणी आप सभी किसान भाइयों के साथ में आज रखते हैं कि बाजार हमें किस प्रकार का देखने को मिला और क्या स्थिति है और उस पर किसान भाइयों के क्या विचार हमें देखने को मिल रहे थे वो जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। चलते हैं दोस्तों, वीडियो के साथ में बने रहेगा ताकि आपको पूरी जानकारी आज की आवकों सहित बाजार की स्थिति की देखने को जरूर मिल जाए। जय जवान, जय किसान। दोस्तों, आज की लहसुन की आवक की बात करते हैं। नमस्कार सभी किसान भाइयों को। रविवार का दिन है दोस्तों, आज का छुट्टी का दिन और मंडी कल और मंडी के अवकाश रहेगा। बीते सप्ताह की बाजारों की हम बात करते हैं दोस्तों, तो जिस प्रकार का बीता सप्ताह बीता है उसकी कुछ चर्चा करते हैं हम इस वीडियो के माध्यम से, और जो किसान भाइयों की राय और इस तेज़ी के बाज़ारों में जो हमें देखने को मिली है और किस प्रकार की किसान भाइयों की सोच थी उस पर हम थोड़ा जायज़ा लेते हैं। और 5 दिनों में जो हमें देखने को मिला है, यानी कि मंगलवार से जो मंडी चली थी वो 13 अगस्त से लेकर आज के दिन तक, यानी कि जो कल की अगर मंडी चली तब तक की अगर बात करूँ 17 अगस्त तक की, तो लगभग 5 दिन जो मंडियाँ चली और 5 दिन में जो तेज़ी मंदी हमें देखने को मिली उनकी थोड़ी विश्लेषण में हम चर्चा करते हैं कि दोस्तों किस प्रकार का हमें उतार चढ़ाव मंडी के अंदर हमें देखने को मिल रहा था, तो उसमें किसान भाई की सोच किस प्रकार की रहती है। तो बहुत से किसान भाई मिलते हैं मंडियों में, तो उनसे जो चर्चा होती है तो उनका कुछ सजेशन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूँ, तो वो आपको थोड़ी देखने को मिलेगी। सबसे पहले मैं आवकों की बात कर लेता हूँ मंडी के अंदर। तो कल रक्षाबंधन का पर्व, आप सभी किसान भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। और मंडी के अंदर की आवकों की बात करते हैं तो अभी तो आवक जो मंडी के अंदर देखने को मिली वो ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल एक सामान्य आवक मंडी का कल और अवकाश में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अभी जो बाज़ारों में हमें देखने को मिल रहा है देसी लहसुन की, अगर मैं खासकर अगर बात करूं दोस्तों, तो उसमें देसी में जिस प्रकार की पैटर्न क्वालिटियों में हमें बाज़ार धुआंधार जो देखने को मिल रहे हैं उनके साइजेस मेरे आसपास में ही हैं। जिस प्रकार से आप देखें हैं ये मीडियम पैटर्न की क्वालिटियाँ, ये आप देख सकते हैं, इनका बाज़ार हमें कल 17,000 के पार देखने को मिला दोस्तों। 18,200-300 रुपये तक भी क्वालिटी ये मंडी के अंदर कल बिकी है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। और ये क्वालिटी अगर आप देखेंगे तो इसका बाज़ार जो हमें देखने को मिला है 19,000 के प्लस और 21,000 तक की क्वालिटियाँ इस प्रकार की जो मंडी के अंदर भी कहें। इसमें ध्यान दें आप कि मीडियम भी आपको मिक्स देखने को मिलेंगे, लड्डू पैटर्न की साइज़ भी आपको देखने को मिलेगी, कुछ चर्री भी हैं, लेकिन माल एकदम ठोस और कवर होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ दोस्तों बताना चाहूँगा एक साइजेस यहाँ पर भी हैं, जो कि आपने कल वीडियो के माध्यम से देख लिया होगा उसका बाज़ार जो मंडी के अंदर बिका था 13,000 के प्लस। ये क्वालिटी देखेंगे दोस्तों कली वाला माल है, बाकी कुछ छर्री पैटर्न की साइज़ आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी, बाकी तो कली पैटर्न है पूरा, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। एक और ये क्वालिटी दोस्तों जो अगर आप देखेंगे तो इसका बाज़ार कल का जो हमें देखने को मिला था 16,000 रुपये प्रति क्विंटल के प्लस का बाज़ार हमें इसका कल का देखने को मिला था। यानी कि दोस्तों कल जो दोपहर के बाद की जो तेज़ी मंडी के अंदर हमें देखने को मिली थी इसका बाज़ार था कल के दोपहर बाद का 16,500 रुपये से लेकर, जिसमें कुछ छर्री भी हैं, इस बात का आप ध्यान दें, ओवरऑल मीडियम माल नहीं है, ज़्यादातर आपको छर्री देखने को मिलेगा। इसका रेंज था कल का 16,000 रुपये से लेकर 16,800 रुपये तक की क्वालिटी ये तलोदा मंडी के अंदर कल बिकी थी सेकंड इलाम में, क्योंकि सेकंड जो इलाम था उसके अंदर बाज़ार
500-700 रुपए तक बाजार ऊंचे हमें देखने को मिल गए थे, क्योंकि दो दिन अवकाश भी था। लेवल तो काफ़ी ज़बरदस्त मंडी के अंदर हमें देखने को मिली है। जो भी क्वालिटी मैं आपको बता रहा हूँ उन मामलों में बाजार हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहा है। जो भी आप देखेंगे ये एक और क्वालिटी, ये भी 17,000 के प्लस, यानी कि दोस्तों 17 से 18 के बीच में ये क्वालिटी कल बिकी। और इसमें साइजेस के अनुसार बताऊं तो कवर्ड पड़ता है, खराब भी कोई शिकायत नहीं, 18 से प्लस भी हो सकता है लेवल के ऊपर, बाकी 17-18 तो तकरीबन है जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी दोस्तों जो बाजार इस सप्ताह में हमें देखने को मिले हैं, इस पर किसान भाइयों की टिप्पणी, तो दोस्तों जैसे कि अगर बात करता हूँ मैं अगस्त से पहले की, यानी कि 13 अगस्त से पहले की, 9 अगस्त के बीच में मैं आपको लेकर चलता हूँ। 9 अगस्त के आसपास में जो बाजार, उसके बाद में दो दिन मंडी का बीच में अवकाश रहा था, जो मंडी चली थी, तो उसके बाद में लगातार बाजार हमें जो 13 अगस्त को जो मंडी चली थी उसके अंतर्गत बाजार जो हमें देखने को मिले थे, डायरेक्टली 2 से 4 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल बाजार हमें देसी लहसुन में हमें टाइट, यानी कि तेज़ी, यानी कि उछाल एक बड़ा भारी हमें देखने को मिला था। वो कोई 200-500 वाली तेज़ी नहीं थी या कोई 500-700 वाली तेज़ी नहीं थी, डायरेक्टली बाजार 2,000 रुपये से लेकर 4,000 रुपये तक के बाजार हमें ऊंचे देखने को मिले थे। तो दोस्तों ऐसा स्वाभाविक सी बात है कि अगर बाजार इतना ऊंचा अगर कोई चढ़ा है तो स्वाभाविक सी है कि वो थोड़ा बहुत नीचे आना तय बात थी। तो दोस्तों उसमें हमें देखने को मिला था फिर से बाजार 1,000 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक डाउन हुए थे। लेकिन दोस्तों साइजेस वाले मामले में कोई ज़्यादा विशेष परिवर्तन हमें देखने को मिला नहीं है, जो कि स्पेशल माल है। जो भी अधिकतम आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि अगर आप देखें तो छर्री पैटर्न के साइज़ हैं, मीडियम माल के साइज़ हैं, उनमें आपको वो परिवर्तन देखने को मिलेगा दोस्तों। लेकिन अभी भी देखेंगे बीते जो दिन, यानी कि जो मंडी चली थी कल, उसमें भी साइजेस वाले मालों में परिवर्तन देखने को मिला। लेकिन दोस्तों किसान भाइयों की सोच रहती है, क्योंकि बाजार तो काफ़ी ऊँचे हैं, तो लेवल के ऊपर अगर कोई आगे पीछे हो तो हो सकता है कि कोई लॉट ऊपर नीचे बिक जाए। लेकिन किसान भाई उसमें सोचते हैं कि यार मेरा माल तो कल 20,700 बिका था, लेकिन भाई साहब आज मंडी में 20,000 ही बिका है या फिर 19,800 बिका है। तो दोस्तों वो लेवल के ऊपर है कि अगर कोई लेवल अगर आगे पीछे हो गया तो आपको कुछ नीलामी में थोड़ा बहुत हो सकता है कि 500 से 1,000 रुपये। इस प्रकार के बाजारों में कोई मायने रखता नहीं है कि आपका डॉट ऊंचा नीचे बिक गया तो बाजार कम है। स्वाभाविक सी है कि लेवाली अगर ऊपर नीचे की है तो हो सकता है कि कहीं बाजार आपका ऊंचे नीचे हमें देखने को मिल जाए, लोट पर ऊंचे नीचे लेवाली हमें देखने को मिल जाए। लेकिन दोस्तों उसका मतलब ये नहीं होता है कि बाजार कम हो चुके हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया है, मैंने वीडियो के माध्यम से भी आपको जानकारी दी थी कि लेवल के ऊपर निर्भर करता है, अगर लेवाली ऊपर नीचे तो हो सकता है। बाकी बाजार इस सप्ताह में तो काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिले दोस्तों, तकरीबन बाजार में आपको बता दो 4,000 रुपये तक बाजार पक्के तेज हो चुके हैं मंडी के अंदर। 5,000 भी बाजार तेज है, क्योंकि आप देखेंगे अधिकतम वो साइज क्वालिटियाँ छर्री माल से लेकर, जैसे कि पूरा बारीक पैटर्न, ये इस प्रकार के साइज से लेकर, मैं आपको बता दूं इसके अंदर से ये साइज से लेकर लड्डू पैटर्न तक के मामलों में काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी हुई है अभी मंडियों में। और लगता है दोस्तों आगे का भी अगर मैं आपको बता दूं तो कई 1,000-1,500 रुपये ऊपर नीचे होंगे। बाकी जिस प्रकार से आप देखेंगे बाजार तो टिका हुआ हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन अवकों पर ये ज़रूर निर्भर करेगा दोस्तों, अवकों का प्रेशर किस प्रकार का हमें देखने को मिलेगा। अवकों का प्रेशर बढ़ा है तो स्वाभाविक सी बात है कि बाजार कम होगा, लेकिन उतना भी कम की उम्मीद हमें देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन दोस्तों ये पूरा रेशियो जो है अवकों पर सबसे ज़्यादा अभी निर्भर करेगा। अवके जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बीच में जिस दिन अवके बढ़ी थी उस दिन बाजार 1,000 रुपये से लेकर 1,500 रुपये भी हमें डाउन देखने को मिला था दोस्तों। बाकी डिमांड छोटे मालों में काफ़ी अच्छी है, मीडियम टाइप के मालों में काफ़ी अच्छी डिमांड है। लेवाली अगर आप देख रहे होंगे मंडी में, जो भी किसान भाई मंडी में लहसुन लेकर आ रहे होंगे तो उनको पूरी तरह से पता होगा। बाकी बाजार यहाँ से अब नीचे जाने की ज़्यादा उम्मीद हमें देखने को मिल रही है। कहीं हो सकता है कि 1,000-1,500 या 2,000 रुपये तक कहीं ऊँचे नीचे हो जाए, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी यहाँ से ज़्यादा मंदी के चांसेस हमें अभी देखने को नहीं लग रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि लेवल के ऊपर आपका लोड जरूर कभी 500-1,000 रुपये ऊँचे नीचे बिक सकता है, तो उसको आप मंदी ना समझें। क्योंकि कल भी मुझे कुछ किसान भाई मिले थे जिनका लोड एक दिन, अगर आपने देखा होगा तो उस दिन उनका लहसुन 21,000 रुपये, माफ़ कीजिएगा, 21,000 रुपये तक बिका था। और अगले रोज यानी कि कल जो मंडी चली उसमें 20,200 रुपये प्रति क्विंटल बिका था, तो 800 रुपये के आसपास में उन माल का धनी का किसान भाई का जो था कि 800 रुपये कम बिका है। तो किसान भाई बोल रहे थे आज 500-800 रुपये बाजार कम है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, बाजार लेवाली पर वो कम बिका था दोस्तों, लेकिन बाजार कतई कम नहीं था। जैसे कि और सेकेंड मंडी तो आपने फिर देख ली होगी दोस्तों, ये पूरी स्थिति मैंने आपको बता दी है। अगर आपको बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहूँगा।
कि बाजारों में जिस प्रकार की चहल पहल पिछले 5 दिनों में मुझे देखने को मिली तो मैंने आपको बताया। आगे भी मध्य के कहीं से कहीं तक चांसेस देखने को नहीं मिल रहे, लेकिन आउको पर अगर फ्रेशर हो कभी तो 10 से 20 रुपए का भी हो सकता है, बाकी ऐसा कोई चांसेस देखने को नहीं मिल रहे। अभी तो तेजी अच्छी बनी हुई है, बाकी जो भी किसान भाई कार्य करे अपने विवेक के हिसाब से कार्य कीजिएगा। आउको की मंडी के अंदर की अगर बात करता हूँ दोस्तों, तो मंडी के अंदर जो आवक मंडी के अंदर देखने को मिल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं आपको बता दूँ तो 150 से 200 बैग की आवक मंडी के अंदर फिलहाल देखने को मिल रही है। जैसे कि आप देखेंगे ये आवक है, कुछ चुनिंदा लोट ही आपको मैं बता रहा हूँ, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं 150 से 200 बैग ज़्यादा से ज़्यादा, और मंडी का कल अवकाश रहेगा। अब विदा लेते हैं आप सभी किसान भाइयों से, जय जवान जय किसान।